Good morning, students. You know well, in 102 DSC 102 nowadays we are going through an autobiography which is written by Om Prakash Valmiki. This very autobiography tells us about the conditions in which Om Prakash Valmiki lived. कि किस तरह की conditions में जो है एक दलित की family को रहने के लिए force किया जाता था और वो सफाई भी वही लोग करते थे but they were not allowed to live in hygienic conditions में उनको रहने के लिए permit नहीं किया जाता था and they were allowed to take food which was jutan जो बचा हुआ food होता था plate में which was generally meant for pets or cows you know तो that was given to those people those living being at times it was you know infected with fungus वो wash करके उस खाने को खाते थे तो जितने बुरे हालात में ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टडीज हुई है एजुकेशन हुई है ही इज टेलिंग अस अबाउट ऑल हिज स्ट्रगल इन दिस ऑटोबायोग्राफी उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें जो है फर्स्ट ईयर में है और पूरे का पूरा नॉवल जो है वो ऑटोबायोग्राफी जो है ये हमें सेकेंड ईयर में है सो लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट वेरी ऑटोबायोग्राफी इज हेयर एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि पहले किस तरह से वो किन बस्तियों में रहते थे किस तरह का वहाँ माहौल था अपर कास्ट की लेडीज़ आके वहाँ डेफिकेट करती थी और टोटली जो है वो यू नो स्टिंकिंग स्मेल वॉज देयर उसके बाद बताया गया है राइट टू एजुकेशन वॉज ग्रांटेड इट वॉज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि 1950 के बाद ये ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है बट पीपल दे डिडंट एक्सेप्ट इट फ्रॉम देयर हार्ट टीचर्स थे अपर कास्ट के जो लोग थे दे डिडंट एक्सेप्ट एंड दे डिडंट वॉन्ट दैट चिल्ड्रन ऑफ दिस डाउन ट्रोडन दे शुड get educated because education means revolution education means struggle for equal rights education means you know equality you know how to struggle or how to try to strive your best for equality kis tarah se apni equality ke liye jana hai to उन लोगों को राइट ऑफ एजुकेशन देने के लिए जो थे लोग फेवरेबल नहीं थे सम हाउ ही मैनेज टू टेक एडमिशन इन स्कूल और स्कूल में जो बिहेवियर था टीचर्स का विद लोअर कास्ट बॉयज़ वो हमें बताया गया है कि किस तरह से उनके एक फ्रेंड को जो है ही वॉज बीटन बैडली एंड यू नो ही वॉज इन पेन एंड वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवर्ड्स ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन दे केम टू नो अबाउट हिज फुल नेम फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम बोथ नाउ ही इज़ पुट इन दैट वेरी सिचुएशन वो कहते हैं कि मैं कभी अपने टीचर्स को आइडियल टीचर्स या आदर्श अध्यापक का दर्जा नहीं दे पाया बिकॉज उन्होंने वो देखा ही नहीं उन्होंने टीचर का एटीट्यूड का देखा उन्होंने टीचर का एटीट्यूड एक विक्टिमाइजर का देखा जहाँ पे वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि टीचर कहीं सपोर्टिव भी है टीचर कहीं पे एक पेरेंट लाइक है या टीचर कहीं पे आपको जो है वो फेवर कर रहा है पॉजिटिव चीज़ें वो दे रहा है उन्होंने क्या देखा कि टीचर जो है क्या कर रहा है एक ब्रीच एक गैप एक दरार जो है बच्चों में बना रहा है और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है डिस्पाइट नोइंग कि इक्वल राइट्स आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन टीचर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है बट ऑलवेज कीप इन माइंड वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि दिस चैप्टर वॉज रिटन इन 1950s में कहीं जो ट्रीटमेंट रिसीव किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो उसको उन्होंने लेटर ऑन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है सो ही इज़ टेलिंग अस अबाउट थ्री डेज ही सफर एट द हैंड्स ऑफ द टीचर जो बार बार उनको सफाई करने के लिए बोलता है इज़ नॉट अलाउड टू गो एंड अटेंड हिज क्लासेज ही इज़ ऑर्डर्ड टू क्लीन द कैंपस एक छोटे से बच्चे के हाथ में इतना मोटा झाड़ू देकर उससे वो सफाई करवाई जा रही है एंड लास्ट डे वॉट ही फेल्ड लाइक आई नॉट टुडे आई डेफिनेटली बी इन द क्लास आई स्टडी टुडे एट दैट टाइम हेड मास्टर स्टार्टेड कॉलिंग फॉर हिम एंड ही वॉज सो स्केयर्ड ही फेल्ट एज इफ अ लायन वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वो इतना डर गया बच्चा इतना डर गया अपने हेड मास्टर को देख के द हेड मास्टर हैड पाउंस्ड ऑन माई नेक पाउंस ऑन होता है झपटना जिससे बिल्ली जो है वो माउस के ऊपर झपटती है कहते हैं उस तरह से पाउंस अपॉन किया मेरी नेक पे द प्रेशर ऑफ हिज फिंगर्स वॉज इंक्रीजिंग वो प्रेशर दबाव बढ़ रहा था उनकी फिंगर्स का एज अ वुल्फ ग्रैब्स अ लॉन्ग लैम बाय द नेक जैसे एक वुल्फ जो है एक लैम को उसकी गर्दन से पकड़ता है ही ड्रैग मी आउट ऑफ द क्लास ड्रैग होता है घसीटना उन्होंने मुझे क्लास से घसीटा गर्दन पकड़ के क्लास से घसीटा एंड थ्रो मी ऑन द ग्राउंड मुझे ग्राउंड पे फेंक दिया थ्रोन थ्री फॉर्म्स हैं सेकंड यूज़ हुई है ही स्क्रीम्ड वो जोर से चिल्लाया गो स्वीप द होल प्लेग्राउंड अरे जाके पूरा का पूरा प्लेग्राउंड साफ करो अदरवाइज आई विल शो चिलीज अप योर नोज एंड थ्रो यू आउट ऑफ द स्कूल
कि मैं तुम्हारे नाक में मिर्ची लगाऊंगा और तुम्हें स्कूल से बाहर फेंक दूंगा। अब बेचारा बच्चा जो था ना, ये कुडंट शेयर विद एनीथिंग विद हिज पेरेंट्स। कोई भी बच्चा जो था, उसके तीन फ्रेंड्स थे, वो लोग वो दे कुडंट शेयर इट विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनको क्या डर लग रहा था कि पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से हमें एडमिट करवाया है, दे आर स्ट्रगलिंग आउटसाइड। तो चिल्ड्रन बेसिकली आर वेरी वेरी सेंसिटिव, तो वो कुछ भी चीज़ अपने पेरेंट्स से वो शेयर नहीं कर पाते थे। वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि उनका पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाए, या फिर जो उनको स्कूल में एंट्री मिली है शायद पेरेंट्स उनको घर पर ही बिठा लें कि स्टॉप योर स्टडीज़। सो फ्राइटेंड आई पिक्ड अप द 3-day-old ब्रूम, डरे हुए कहते मैंने क्या किया, वो ब्रूम उठाया 3 दिन पहले बनाया हुआ। जस्ट लाइक मी इट वॉज शेडिंग इट्स ब्राइट लीव्स, जस्ट लाइक मी एज आई वॉज फीलिंग, जैसे मैं मुरझा चुका था उस तरह से जो झाड़ू की पत्तियाँ थी वो गिर रही थी। ऑल दैट रिमेंड वर द थिन स्टिक्स, पतली पतली सी हड्डियाँ जैसे मेरी दिख रही थी वैसे झाड़ू की जो स्टिक्स थी वो दिख रही थी। टीयर्स वर फॉलिंग फ्रॉम माई आईज, टीयर्स क्यों आ रहे थे आई से, वाई वर टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम हिज आईज, बिकॉज फॉर 3 days ही वॉज कम्प्लीटली बींग टॉर्चर्ड बाय द टीचर्स। मेरी आंखों से टीयर्स रोल हो रहे थे। आई स्टार्टेड टू स्वीप द कंपाउंड बाई माई टीयर्स वेल, रोते रोते ही वॉज स्वीपिंग द कंपाउंड फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, खिड़कियों और दरवाज़ों से स्कूल रूम के। आईज ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल होता है व्यू, वो नज़ारा टीचर्स और बच्चे देख रहे थे। ईच पोर ऑफ माई बॉडी वॉज सबमर्ज्ड इन द एबिस ऑफ एंग्विश, और मेरी बॉडी का छोटे से छोटा पोर जो था, छोटे से छोटा जो छेद था, जो पोर था, इट वॉज ना फीलिंग दैट वेरी पेन, दैट वेरी मेंटल पेन। कहते मुझे इतनी एम्बेरसमेंट, इतनी शर्मिंदगी और इतना पेन फील हो रहा था, दैट आई फेल्ट इट वेरी टफ टू बेयर द थिंग। मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जस्ट देन माई टी फादर पास्ड बाय द स्कूल, मेरे फादर स्कूल के पास से गुजर रहे थे। ही स्टॉप्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन सडनली वो रुक गए। व्हेन ही सॉ मी स्वीपिंग द स्कूल कंपाउंड, जब उन्होंने मुझे स्कूल कंपाउंड को साफ करते हुए देखा, ही कॉल्ड मी मुंशी जी व्हाट आर यू डूइंग, बच्चे का निकनेम रखा था मुंशी जी, बिकॉज वो अपने बच्चे को अपने से अच्छी वाले स्टेटस पे देखना चाहते थे। ही डिडंट वॉन्ट हिज चाइल्ड टू डू द सेम वर्क ऑफ क्लीनिंग एंड स्वीपिंग, तो उसको वो एजुकेट करने के लिए उन्होंने क्या मोरल बूस्टअप किया गया था बच्चे का, प्यार से बोला क्या कर रहे हो। मुंशी जी वॉज द पेट नेम माई फादर हैड गिवन मी, मुंशी जी एक पेट नेम था, निक नेम था जो मेरे फादर ने मुझे दिया था। व्हेन आई सॉ हिम आई बर्स्ट आउट सॉबिंग, जैसे क्या होता है बड़ी घुटन है, आपको कोई अपना दिखता तो क्या होता है सडन जो है टीयर्स से स्टार्ट रोलिंग आउट ऑफ योर आइज, तो उस तरह से कहते मैं जोर से रोने लगा। ही एंटर द स्कूल कंपाउंड एंड केम टूवर्ड्स मी, वो कंपाउंड में एंटर हुए और मेरी तरफ आए। सीइंग मी क्राइंग ही आस्क्ड, उन्होंने क्या पूछा, मुंशी जी व्हाई आर यू क्राइंग, टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, कि हो क्या गया मुझे बता तो दो। आई वॉज हिकअपिंग बाय नाउ, अब रोते रोते मुझे क्या हो रहा था, मुझे हिकअप हिचकी आनी शुरू होगी। इन बिटवीन माई हिकअप्स, हिकअप्स के बीच में आई टोल्ड द होल स्टोरी टू माई फादर, आज मैंने जो सच था वो अपने फादर को बता ही दिया। दैट द टीचर हैड बीन मेकिंग मी स्वीप फॉर लास्ट 3 days, 3 दिनों से कि टीचर मुझसे सफाई करवा रहे हैं। दैट दे डिडंट लेट मी एंटर द क्लास रूम एट ऑल, और 3 दिनों से मुझे क्लास रूम में तो आने ही नहीं दिया गया। पिताजी स्नैच द ब्रूम फ्रॉम माई हैंड, स्नैच होता है खींचना, ब्रूम को मेरे हाथों से खींचा, एंड थ्रो इट अवे फ्रॉम हिम, दूर फेंका। हिज आइज वर ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मीन्स बर्निंग विद यू नो एंगर, हिज आइज वर फिल्ड विद एंगर, गुस्सा था। पिताजी हु वॉज ऑलवेज टॉट एट अ बोस्टरिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जो फादर थे मेरे ही ऑलवेज बोर्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हमेशा झुक के रहते थे, वो सो एंग्री, इतने ज़्यादा अनॉयड थे, दैट इज डेंस मस्टैश वर फ्लटरिंग, उनकी जो घनी मूछें थी ना वो गुस्से से फड़फड़ा रही थी। ही बिगन टू स्क्रीम, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, हु इज दिस टीचर द प्रोजनी ऑफ द्रोणाचार्य, यहाँ द्रोणाचार्य का रेफरेंस क्यों है सोच के देखो। द्रोणाचार्य वॉज दैट वेरी गुरु ऑफ पांडवास हु एजुकेटेड अर्जुना, बट ही डिडेंट एजुकेट एकलव्य, उन्होंने एकलव्य को कुछ नहीं सिखाया। सो एकलव्य वॉन्टेड टू लर्न द सेम, यू नो ही वॉन्टेड टू हैव द सेम एजुकेशन एज वॉज बींग गिवन टू अर्जुना, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ही डिडेंट बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी, से वो नहीं था लड़का। सो ही मेड एन आइडल ऑफ ए बड़ी सी स्टैचू उसने द्रोणाचार्य की बनाई, एंड ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस देयर। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एकलव्य जो थे, एकलव्य का जो स्टेटस है, इट इज़ 1000 times बेटर देन दैट ऑफ अर्जुना, हु वॉज वेल ट्रेंड बाय अ गुरु। लेकिन जो एकलव्य था, ही वॉज नॉट ट्रेंड बाय अ गुरु, लेकिन डिस्पाइट दैट ही
had that very courage that he could beat Arjuna. So when the time of Guru Dakshina came, then what did Dronacharya say? When he came to know that Eklavya has made a statue of his and he was practicing in front of that, wo try kar raha tha, seekh raha tha, bahut kuch seekha tha usne. He said that I need your thumb as Guru Dakshina. थम क्यों लिया? बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट कि कोई अर्जुन के मुकाबले का हो. तो दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ टीचिंग. करवाया कुछ नहीं लेकिन क्रेडिट वो खुद को लिया. तो उस तरह से द प्रोजनी ऑफ द्रोणाचार्य हु फोर्स माई सन टू स्वीप, जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहा है. द्रोणाचार्य ने क्या कहा था कि आप क्षत्रिय नहीं हो, सो आई कॉन्ट टीच यू. सेम इज द केस हेयर, यू बिलोंग टू वाल्मीकि कम्युनिटी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप झाड़ू लगाओ. इनडायरेक्टली तो वही था. पिताजी वॉइस एट एक और थ्रू द होल स्कूल, पूरे स्कूल में वो आवाज़ गूंजी. ऑल द टीचर्स ऑल्सो विद द हेड मास्टर केम आउट. हेड मास्टर के साथ साथ सारे टीचर बाहर आ गए. कालीराम द हेड मास्टर थ्रेटन माई फादर एंड कॉल्ड हिज नेम नेम्स. कालीराम जो हेड मास्टर था मेरे फादर को धमकी दी और बाय कास्ट जो नेम वो रेफर करते थे वैसे रेफर करने लगे. बट इज थ्रेट्स हैड नो इफेक्ट ऑन पिताजी, पर पिताजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. आई हैड नेवर फॉरगॉटन द करेज एंड फोर्टिट्यूड विद विच माई फादर कन्फ्रंटेड द हेड मास्टर दैट डे. आई कैन नेवर फॉरगॉट, कहते मैं कभी नहीं भूल सकता वो करेज, वो हिम्मत, वो फोर्टिट्यूड, किस तरह से मेरे फादर ने हेड मास्टर को कन्फ्रंट किया. हाउ डिड ही फेस हिम? ही डेयर टू फेस द हेड मास्टर बिकॉज ही वॉज यू नो ही हैड अ फर्म डिटर्मिनेशन टू एजुकेट हिज चाइल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अपने बच्चे के राइट्स के लिए पेरेंट्स हमेशा लड़ते हैं, हमेशा बोलते हैं. सेम इज़ द केस हेयर. ही डिडंट वॉन्ट टू यू नो पुश हिज चाइल्ड इन द सेम प्रोफेशन वेयर ही वॉज सफरिंग. ही वॉन्टेड टू गिव हिम समथिंग एक्स्ट्रा, सो ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज चाइल्ड. तो गलत भी तो कुछ नहीं था. पिताजी हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वीकनेसेस, मेरे फादर में बहुत सी कमियां थी. बट द डिसाइसिव टर्न ही गेव माय फ्यूचर दैट डे, लेकिन उस दिन जो एक डिसाइसिव टर्न डिसीजन से बना है उन्होंने मेरे फ्यूचर को दिया. हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माय पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. बिकॉज एट टाइम्स वी सी आर पेरेंट्स वेरी बोल्ड, वी सी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर बोल्ड. जब हम उनको बोल्ड देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक हिम्मत आती है कि नहीं इन्होंने फेस किया तो वी कैन फेस. लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को दबते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, कराहते हुए पेन में देखते हैं तो वी फाइंड इट यू नो हम लोग रिवोल्ट करना चाहते हैं, हम चीज़ों के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, बहुत से ट्रेंड्स को चेंज करना चाहते हैं, हम लोग पैटर्न चेंज करना चाहते हैं. बट वी फील स्केयर्ड ऑफ वन थिंग कि मेरे पेरेंट्स भी तो वीक पड़ गए तो मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सेम इज़ द केस इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. जहाँ जहाँ आपकी मदर्स मजबूत हुई हैं सोशल इवल्स के अगेंस्ट, तो आपके फादर्स मजबूत हुए हैं वहाँ, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग. सीधी सी बात है, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी स्ट्रेंथ दिखा के कि वी आर वेरी स्ट्रांग, हम ऑड्स के अगेंस्ट गए हैं हर वक्त, जो है हालात हमारी फेवर में नहीं थे लेकिन हम लोगों ने आपको अपना 100% दिया है. तो दे आर लाइक टॉर्च बेयरर्स फॉर यू, वो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि यू हैव टू फॉलो द सेम पाथ विच वी आर फॉलोइंग फॉर यू पीपल. आपको अपने लिए लड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे वाल्मीकि के फादर ने वाल्मीकि को यही सिखाया कि नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ, कभी रुकना नहीं, हार नहीं माननी, चलते रहना, संघर्ष करते रहना, रास्ता खुद बनाओ, अपना रास्ता बनाना है. द हेड मास्टर हैड रोड, रोर मीन्स बड़े ज़ोर से चिल्लाया, टेक हिम अवे फ्रॉम हेयर, ले जाओ इसको यहाँ से. द चोहरा वॉन्ट्स हिम एजुकेटेड, ही इज़ रेफरिंग टू दैट वेरी कास्ट, कि वो कास्ट का इंसान उसको एजुकेट करवाना चाहता है. गो गो अदरवाइज आई विल हैव योर बोन्स ब्रोकन. इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा. पिताजी टुक माई हैंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स आर होम. फादर को लगा कि अभी बात करके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. उनके अंदर जो एंग्विश था, एग्रेशन था, जो गुस्सा था वो निकाल दिया और फिर बच्चे को लेकर घर चले गए. एज ही वॉक्ड अवे, जब वो जा रहे थे, ही सेड लवली इनफ फॉर द हेड मास्टर टू हियर. जोर से उन्होंने कहा कि यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो. आई एम लिविंग नाउ, मैं भी जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, कि एक बात याद रखना, दिस चूहरे का वो विल स्टडी राइट हियर. मेरा जो बेटा है ना वाल्मीकि कास्ट का, ये मेरा बच्चा तो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ेगा. एंड नॉट जस्ट हिम, वही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम. इसके साथ और बच्चे लाएंगे, अब हम और बच्चे आएंगे इसके साथ. पिताजी हैड फेट्स दैट द त्यागीज ऑफ द विलेज वुड जस्टाइज मास्टर काली राम फॉर हिज बिहेवियर. पिताजी को फेथ था कि जो त्यागीज हैं गाँव के, उनका वो क्या करेंगे, वो काली राम से उसके बिहेवियर के बारे में ज़रूर बात करेंगे, डांटेंगे. बट वॉट हैपन्ड वॉज द एग्जैक्ट ऑपोजिट, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. हुज़ सो एवर द डोर वी नॉक्ड, जिसका भी डोर हमने खटखटाया ना, द आंसर वॉज, जवाब क्या था? देखो ये सोसाइटी का होल इम्पैक्ट है कि पूरा समाज आपको किस तरह से लेके चलता है. वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ सेंडिंग हिम टू स्कूल, क्यों भेज रहे हो इसको? वन हैज़ अ क्रो बिकम ए स्वैन, कि एक क्रो जो है वो हंस कैसे बन गया? यू इलिटरेट बोरिश पीपल, तुम अनपढ़ गंवार लोग, वो डू यू नो, तुम्हें क्या पता? नॉलेज इज़ नॉट गेन लाइक दिस, यू कॉन्ट गेन नॉलेज लाइक दिस, ऐसे नहीं नॉलेज मिलती है. यू
नॉलेज इज नॉट गेन लाइक दिस. हे इफ ही आस्ट अ चोराज प्रोजनी टू स्वीप, कि अगर एक लो कास्ट के एक वाल्मीकि के बच्चे को झाड़ू लगाने के लिए बोल भी दिया, वॉट इज अ बिग डील इन दैट, फिर क्या हो गया. ही ओनली गॉट हिम टू स्वीप, झाड़ू ही तो लगवाया, डिडंट आस्क फॉर स्थम इन द गुरु दक्षिणा लाइक द्रोणाचार्य, झाड़ू ही तो लगवाया, कहते कौन सा अंगूठा जो है वो द्रोणाचार्य की तरह ले लिया, एंड सो फोर्थ. इस तरह के कमेंट्स मिलने लगे. पिताजी केम बैक टायर्ड डिजेक्टेड. पिताजी वापस आए, ही वॉज वेरी टायर्ड एंड डिजेक्टेड, ही वॉज वेरी सैड. ही सेट अप ऑल द नाइट विदाउट फूड एंड ड्रिंक. ही वॉज यू नो सो अपसेट, ही डिडंट टेक फूड नॉट टेक ड्रिंक. गॉड नोज हाउ डीप एंड एंग्विश पिताजी वेंट थ्रू. Now he is writing an autobiography and is feeling the anguish, mental pain and torture which his father faced then. उस वक्त फादर ने कितना मेंटल पेन जो है वो महसूस किया होगा. As soon as the morning broke, जैसे ही सुबह हुई, he took me along and went to the house of प्रधान सगवा सिंह त्यागी. वो प्रधान के घर मुझे हाथ से पकड़ के लेके गए. As soon as प्रधान saw पिताजी, he said, उन्होंने पूछा फादर को, अबे छोटन, छोटन इज द नेम ऑफ हिज फादर, व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया. यू हैव कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह आए हो. चौधरी साहब, यू से द गवर्नमेंट हैज़ ओपन द डोर्स ऑफ द स्कूल्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ चोहराज एंड चमार्स. क्या आपने लो कास्ट डाउन ट्रोडन जो विक्टिम जो लोग हैं उनके लिए स्कूल्स खोल दिए हैं, आप ऐसे बोलते हैं सरकार ने खोले हैं. एंड द हेड मास्टर मेक्स दिस चाइल्ड ऑफ माइंड कम आउट ऑफ द क्लास एंड स्वीप ऑल द डे इंस्टेड ऑफ टीचिंग हिम. लेकिन मास्टर सारा दिन मेरे बच्चे को क्लास से बाहर निकालता और इससे सारी सफाई करवाता है. इफ ही हैज़ टू स्वीप द स्कूल ऑल द डे, देन यू टेल मी व्हेन इज ही गोइंग टू स्टडी, कि अगर सिर्फ झाड़ू ही लगाना है स्कूल में, मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे. पिताजी वॉज सप्लीकेटिंग द प्रधान, ही हैड टीयर्स इन हिज आइज व्हाइल ही वॉज टॉकिंग टू द प्रधान. उनकी आंखें भरी हुई थी. आई वॉज स्टैंडिंग नियर हिम एंड लुकिंग एट हिम, मैं उनके पास खड़ा होकर देख रहा था. जी द फोर्थ, यू आर इन माई महिंद्रा क्लास, कहते तुम मेरी महिंद्रा के क्लास में पढ़ते हो. महिंद्रा इज द नेम ऑफ द प्रधान सन. ओह जी, द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द स्कूल विद द फियर ऑफ स्टॉकिंग माई हार्ट, विद फियर स्टॉकिंग बाय माई हार्ट. कहते नेक्स्ट डे मैं स्कूल गया, बट मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर था. एंड आई सेट इन द क्लास इन टेरिपिडेशन, डरा डरा सा मैं क्लास में बैठ भी गया. एवरी सेकेंड आई वॉरिड, हर वक्त क्या डर लग रहा था. द हेड मास्टर वॉज कमिंग, नाउ ही कम्स. इतना डर था, इतना टेरर था टीचर का, अभी आ गया हेड मास्टर, अभी पहुँच जाएगा. एट द स्लाइटेस्ट साउंड माई हार्ट पाउंडेड, हल्की से आहट पे मेरा दिल धड़कता था. आफ्टर फ्यू डेज थिंग्स के काम डाउन, थोड़े दिनों के बाद चीज़ें कूल डाउन होगी, बट माई हार्ट ट्रेम्बल्ड द मोमेंट आई सॉ हेड मास्टर कालीराम. अब हेड मास्टर की इमेज इतनी भयंकर हो चुकी थी कि जब भी मुझे हेड मास्टर दिखता था मेरा दिल जो है वो डर जाता था. इट सीम्ड एज दो इट वॉजेंट अ टीचर, ऐसा नहीं लगता था कि वो एक टीचर है. हु वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ आ रहा था वो एक टीचर वाला लुक नहीं होता था. ही वॉज लाइक अ स्नोटिंग वाइल्ड बोर विद हिज स्नाउट अप इन द एयर. स्नोटिंग वाइल्ड बोर होता है जंगली सोर. ही वुड लुक लाइक अ वाइल्ड बोर विद हिज टीथ आउट, जिसके दोनों दांत बाहर निकले होते हैं और वो हवा में क्या है वो बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ जो है अपने स्नाउट को अप करके, स्नाउट होता है जो नोज़ वाला पोर्शन है पिगी का प्रेस्ड, वो उसको अप करके वो मुझे मारने आ रहा है. सो दिस वॉज द एलिमेंट ऑफ फियर विच वॉज इन द हार्ट ऑफ द नरेटर व्हेन ही वॉज अ स्कूल स्टूडेंट. तो ऐसे हालात में बच्चा एक टीचर की कैसे रिस्पेक्ट करेगा, जो बच्चे को पता है टीचर जो है वो चाइल्ड अब्यूज में इन्वॉल्व है, बच्चे को पता है कि टीचर का बिहेवियर जो है बच्चों के साथ वो कास्ट बेस्ड है, बच्चे को ये भी पता है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है. ही हैज़ बीन नो ही जस्ट केप्ट मी आउट ऑफ क्लास फॉर 3 days, माई फादर स्ट्रगल्ड एंड अल्टीमेटली आई वॉज सेंट टू स्कूल, बट एटीट्यूड ऑफ द टीचर डिडंट इम्प्रूव. अब उस एटीट्यूड टीचर के उस एटीट्यूड के साथ जो बच्चे ने सीखा होगा, तो क्या वो सही चीज़ थी जो बच्चे की पर्सनैलिटी की ग्रोथ में, जिसके लिए हम बच्चे को एजुकेट करते हैं. बिकॉज वी डोंट सेंड आर चिल्ड्रन टू स्कूल. आप लोगों को कॉलेज इसलिए नहीं भेजा जाता कि आपको बुकिश नॉलेज मिलेगी. यू आर सेंट टू कॉलेज विद अ डिफरेंट एटीट्यूड टू लर्न मच मोर अबाउट लाइफ, एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स, एक्सपीरियंसेस ऑफ योर फ्रेंड्स. रास्ते में चलते हुए आपको क्या एक्सपीरियंस होते हैं, बस में ट्रैवल करते हुए आप क्या फील करते हो, यू स्ट्रगल फॉर योर राइट्स, यू स्ट्रगल फॉर योर, यू वॉन्ट टू फुलफिल योर ड्यूटीज, उसके लिए भी आप संघर्ष करते हो कि नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है, मैंने इसको परफॉर्म करना है और मुझे तो इस ड्यूटी का हिस्सा बनना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी लर्न, क्यों लर्न करते हैं, कहाँ से लर्न करते हैं, वेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद आर टीचर्स. ओबियसली पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं, लेकिन टीचर का जो नॉलेज है वो हर साल नए बच्चों से डील करता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज टीचर्स हैव.
सो जहाँ टीचर डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है, जहाँ टीचर जो है ये भेदभाव वाली पॉलिसी पे आ जाता है, वहाँ बच्चे क्यों रिस्पेक्ट करेंगे टीचर के? दे नेवर रिस्पेक्ट अ टीचर। टीचर की डिग्निटी पे ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। सेम इज़ द केस हेयर, क्योंकि बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने टीचर का, वो टीचिंग वाला एज अ टीचर तो उसने उसको देखा ही नहीं, उसने क्या देखा कि एज अ विक्टिमाइजर, एक इंसान जो मुझे हर वक्त जो काटने को आता है, हम मुझे डराता है, मुझे धमकाता है, मुझसे काम करवाता है, दैट वॉज द इमेज ऑफ द टीचर। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड टू चैप्टर्स। नाउ वॉट यू विल हैव टू डू, आई सेंड यू अ पिक ऑफ द यू नो रेफरेंस टू द कंटेक्सट एक्सप्लेनेशन यू हैव टू डू योर सेल्फ। परचेज बुक्स, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में दोनों जो है वो बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स खरीदो, अपनी स्टडीज़ करो और घर पे रहो, सेफ रहो। गुड डे।